वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स 10th क्लास का सर्कल चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले, हालांकि मैं हर एक वीडियो में यह बात ज़रूर बोलता हूँ, अगर आपका बेस कंप्लीट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अभी क्या कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइनर प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे क्लियर करते जाऊंगा। लेकिन आपका बेस हद से ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके कुछ वीडियो को देखो, ठीक है? तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा और चीज़ों को, बातों को, मेरे लेक्चर्स को, ठीक है, क्लासेस को अच्छा से रिलेट कर पाओगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो आपको नहीं आता है वो वीडियो सब देखिए, बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर होगा। और यदि आपका बेस थोड़ा बहुत कम्प्लीट है तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का से पक्का कर दीजिएगा, ठीक है? और आप लोग हैं तभी यह चैनल ग्रो करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा। और कुछ भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे आइसोसेलस है, तो मैंने अभी बोला ना आइसोसेलस का मतलब आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं प्रीवियस वीडियो से मैं बता चुका हूँ। देखिए वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है आइसोसेलस होता है, आइसो मतलब दो होता है, तो दो साइड क्या होता है इक्वल होता है, आइसोसेलस होता है। अच्छा फिर इसमें क्या आया, इंस्क्राइब्ड आया। तो आप यहाँ पे याद करो चीज़ों को, यहाँ पे एकदम स्टार मार के लिख दो कि इंस रहेगा, ठीक है? इंस कहीं भी इंस रहेगा, मतलब कहीं भी मतलब क्या, इंस्क्राइब्ड में स्टेप में इंस रहेगा, इसका मतलब आप समझ लो अंदर, इसका मतलब क्या समझ लो अंदर, ठीक है? इंस रहेगा तो इसका मतलब क्या चीज, अंदर। फिर सरकम रहेगा, सरकम तो इसका मतलब क्या समझो, बाहर, ठीक है? सरकम मतलब बाहर और इंस मतलब अंदर, तो इंस्क्राइब्ड यानी कि सर्कल के अंदर का चीज, ठीक है? और सरकम स्क्राइब्ड, एक होता है सरकम स्क्राइब्ड, सरकम स्क्राइब्ड, ठीक है? सर्कल के बाहर में, सर्कल के बाहर में इस सर्कमफेरेंस को टच करते जो इमेज बनेगा उसको बोलते हैं सर्कम स्क्राइब्ड, सर्कम यानी कि सर्कल के बाहर और इंच यानी कि सर्कल के अंदर। अब बन गया ये आपका क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बनने गया, आप रिलेट कर लिए ना बात को, अब थोड़ा आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। अच्छा अब हमें एक बात बताइए, ये सर्कल चैप्टर है तो सर्कल पहले बनाएंगे स्टेप का, तो अच्छा से हाथ पे कंट्रोल करके गलत ना हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप एकदम थोड़ा अच्छा से रिलेट करके इस टाइप का बनाइएगा, मतलब यहाँ पे एकदम एक लाइन होना चाहिए, समझ गए होंगे बात को। अच्छा फिर यहाँ पे आइसोसेलस बोल रहा है, आइसोसेलस ट्रायंगल बोल रहा है, कहाँ पे बोल रहा है, इंस्क्राइब यानी अंदर में बने, अंदर कहीं भी आइसोसेलस ट्रायंगल बना लो, ठीक है? यहाँ पे बना लीजिए, कहीं भी आप बना सकते हो, यहाँ पे बना लीजिए, कुछ भी करके आप बना सकते हो कहीं भी, ठीक है? आइसोसेलस ट्रायंगल मैं यहाँ पे इस टाइप का बनाता हूँ, यहाँ पे इस टाइप का मैंने बना लिया, आइसोसेलस है तो ये दोनों तो इक्वल होगा ही, बात समझे? और ये सर्कल है तो इसका तो कोई ना कोई सेंटर होगा ना, तो कोई ना कोई सेंटर है तो मैं यहाँ पे सेंटर बना देता हूँ। आप थोड़ा एक चीज यहाँ पे गौर करोगे कि इसका लोकेशन का थोड़ा ध्यान रखोगे, इसका जो डिस्टेंस होगा ना इसका भी कोई डिस्टेंस रहना चाहिए। देखो सर्कल का मतलब क्या होता है, एकदम बीचों बीच रहना चाहिए तब देखने में अच्छा लगेगा, यानी कि इस टाइप का आपको मतलब एकदम बीच में रहना चाहिए, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा ना ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, यानी कि सेंटर यानी कि एकदम बीच में, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और हालांकि मैं अभी हाथ से बनाया तो थोड़ा हल्का सा मिस्टेक होगा तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा, आप अपना हिसाब से बनेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हो, या तो डॉटेड लाइन से कर सकते हो ज्वाइन, या तो वैसे कर सकते हो, तो डॉटेड लाइन से कर दो। फिर ये यहाँ पे आएगा, तो मैं पहले बोला थोड़ा अपना हिसाब से अच्छा से बनाइएगा। देखो डॉटेड लाइन से मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो अगर डॉटेड लाइन से नहीं किया तो मैं यहाँ पे ऐसे करके मिलाऊंगा तो पता नहीं चलेगा कौन ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो एक दो तीन चार को इस हिसाब से बन गया। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा बोल्ड टाइप का है यानी कि गाढ़ा जैसा, ये अपने लोग का आइसोसेलस ट्रायंगल हुआ, तो कन्फ्यूजिंग से बचने के लिए मैंने क्या किया, डॉटेड लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। आई होप कि आप बात समझे होंगे, अगर आप डॉटेड लाइन से नहीं ड्रॉ करोगे तो आप खुद ही कन्फ्यूज कर जाओगे कि कौन सा, देखो ऐसे भी ट्रायंगल बना, देखो मेरे कलम पर ध्यान दो,
एक दो तीन, ये भी आपको ट्रेंगल बना, इधर से भी ट्रेंगल बना, एक दो तीन, तो आपको कन्फ्यूज कर जाएगा ना। तो कन्फ्यूजिंग से बचने के लिए, कन्फ्यूजिंग से बचने के लिए मैंने ये वाला लिया, इस टाइप का बना दिया, बाकी कोई रीजन नहीं है। अब चाहो तो कुछ भी करो, ठीक है। इसको मैंने ए दे दिया, इसको मैंने बी दे दिया, और इसको मैंने सी दे दिया, पास में यहाँ तक। अच्छा, बुकी में बोल रहा है ए भी बराबर ए सी बराबर छः, अब क्यों नहीं बोले, क्योंकि आइसोसेलस है तो दो तो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, इक्वल। तो बताइए, तो ये तो 6 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देंगे, यानी कि लिख देंगे, ये इस टाइप का लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, फिर देखिए, अब ये जो है ए जो है ये जो पूरा जो है, तो रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, देखो ये जो सर्कल होता है, इस टाइप का जो सर्कल होता है, ठीक है, इसका रेडियस होता है, इसका रेडियस होता है, इसका रेडियस इरेडियस होता है, ठीक है। तो ये आपका जो ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये आपका कितना दे दिया, 9 दे दिया। तो आप देखो, आप यहीं पर अगर चलाओगे तो खिचड़ी टाइप का बन जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसी में 9। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक तरीका से बाहर में ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बाहर में, तो इस टाइप का यहाँ पे, हाँ चोने का ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्कल तो इतना ही होता ना, इतना ही भरा, यहाँ पे बाहर में मैंने लिख दिया, यहाँ पे आर मैंने कितना लिख दिया, 9 सेंटीमीटर। आप अंदर में यहाँ लिखो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि सब तो सर्कल लेने हुआ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना होगा, 9 होगा, ये भी कितना होगा, 9 होगा, ये भी कितना होगा, 9 होगा। तो आप भी 9 को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, आपका जो मन था वो करो, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे आप कुछ कुछ लिख देना यहाँ पे, ठीक है, आपका अपना मर्जी, मैं अभी बोल रहा हूँ तो वो लिख देना, क्या लिखना है ये, तो ये सब लिख देना, इस टाइप का देखो लिख देना, लेट लेट ओ इज सेंटर, ठीक है, तो यहाँ पे है ना वो सेंटर है। अच्छा, एंड पी क्या है, मिड पॉइंट, पी मिड पॉइंट स्टार्टिंग में, कहाँ पर, यहाँ जो मैं पानी टाइप का दिया है ना इस टाइप का, तो यहाँ पे आपको लिखना है, लेट ओ इज द सेंटर एंड पी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट किसका, मी यहाँ पे पी अपने लोग मन में रखे, तो पी यहाँ पे कुछ भी मान दो, पी पी दे दो, पी यहाँ यहाँ पे दे दो पी, तो पी क्या दे दो, मिड पॉइंट, पी क्या हो गया, मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, अब पी की जगह पर कुछ भी मान सकते हो, पी इज द मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी सी, बी सी का, क्लियर, बात समझे ना। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा एक रूल याद करो, एक थ्योरम याद करो, थ्योरम क्या याद करो, कि एक सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल में कोण होता है, अभी सेंटर पर से वो लकीर जो गिरता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, और ये दोनों को बराबर भागों में बांट देता है, याद आया होगा रूल, ठीक है, मैं भी बताया हूँ। फिर देखो अगेन, ये सर्कल है, यहाँ पे मान लीजिए एक कोल्ड है, अच्छा कोल्ड को कुछ मान लो, ए मान लो, बी मान लो, या सेंटर पर से ऐसे करके गिरा, क्या गिरा, रेडियस, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके गिरा, इस टाइप का गिरा, ठीक है, परपेंडिकुलर कहाँ से, ओ से, सेंटर से वो लकीर गिरा, किस पर गिरा, कोल्ड पर गिरा, सेंटर से एक लकीर गिरा, किस पर गिरा, कोल्ड पर गिरा, तो यहाँ पे 90 बनेगा, 90 बनेगा, 180 बनेगा, और दो टुकड़ा में बराबर में बांट देगा, बात समझ रहा। तो आप यहाँ पे गौर करो, पी इज़ द मिड पॉइंट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए ए पी परपेंडिकुलर हो गया, किस पर, ए पी, ये जो देखो ये जो कलम है, ये कलम किस पर टिका है, ये कलम क्या, ए पी, ये जो कलम है ए पी, एक सेकेंड, ए पी किस पर टिका है, बी सी पर टिका है, टिका है कि नहीं टिका है, ये जो कलम है ये कलम किस पर टिका है, ये मतलब ये जो कलम है ये किस पर टिका है, इस पर टिका है, तो इस हिसाब से, ठीक है, ए पी, ए पी किस पर टिका है, ए पी बी सी पर, तो ये, ठीक है, तो यानी कि आप क्या समझे, यानी कि क्या समझे, आप यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, यहाँ भी क्या हो गया, 90 डिग्री, और सही भी हो गया, एक रेखा पर 180 डिग्री एंगल बनता है, तो 90 इधर इधर हुआ, 90 इधर बना, एक इधर बना, देख लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, इस हिसाब से। लेकिन आपको कौन हक दिया, किस रूल के कारण, किस नियम के कारण आपने यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया, तो मैं किस नियम के कारण दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो यहाँ पे दो रीजन आप बता सकते हो, ठीक है, दो रीजन कि क्यों 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 ये वाला बराबर हो गया। तो देखो पहला रीजन क्या हो गया, देखो पहला रीजन ये हुआ कि मैंने लेट किया है, ओ को सेंटर मैंने माना है, तो ओ को मैंने सेंटर माना है, फिर पी को मैंने मिड पॉइंट माना है, पी को क्या माना है, मिड पॉइंट माना है, तो इस तरीके से मैंने लेट किया। और सेकेंड क्या है, सेकेंड मैंने थोड़ा रूल लगाया कि भाई एक सर्कल होता है, और सर्कल में मान लीजिए एक कोड है, तो यहाँ पे सेंटर पर से को लकीर गिरता है, तो इस कोड को दो पार्टों में बांटता है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये रूल है। तो ये आप ऊपर में मेंशन अपना कुछ कुछ कर दोगे, यहाँ तो कहते कर। अब नाउ, अब यहाँ पे आप स्टार्ट करो, देखो
हमें एक बात बताओ, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो आप हमें बात बताओ, एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है बाबू, ए बी सी का एरिया निकालना है, ठीक है। अब हम एक बात बताओ, एरिया निकाल देते हैं ए बी सी का, ठीक है, ए बी सी का एरिया निकाल देते हैं, क्या होता है, एक बट्टा दो आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 1/2 आगुने ऊ, ठीक है, हिंदी में 1/2 आगुने ऊ, आगुने ऊ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आगुने ऊ, ठीक है। तो यानी कि 1/2 आ, यानी कि क्या, बेस, ये ऊंचाई, ठीक है, बेस इंटू हाइट, अच्छा 1/2 बेस क्या है आपका, बेस बी सी है ना, बेस बी सी, किस ट्रायंगल में आप देखोगे, ए बी सी का निकालोगे तो ए बी सी में देखोगे, ए बी बी सी, अच्छा बी सी, हाइट देखो, हाइट क्या है, ए बी है, ए पी है, हाइट ए पी है, आप बताइए 1/2, ठीक है, बेस तो आपको है नहीं, तो बेस तो आप निकालोगे ना, बेस नहीं दिया है आपको, ठीक है, ये तो गड़बड़ा बड़ा बात हो गया, ए पी, ए पी सो ने दिया, अब लोग सर ए पी दिया, ए पी कहाँ दिया है बताओ, ये आर, ये पूरा इतना न दिया है, ये रेडियस, ये पूरा न दिया है, ए पी, ये वाला कहाँ, ये टुकड़ा कहाँ दिया है, तो ये भी नहीं दिया है, आप समझे, तो यानी कि यहाँ पे हो गया गड़बड़, यानी कि हम मानेंगे इसको कुछ न कुछ मानेंगे, इसको कुछ न कुछ मानेंगे, तब मेरा कुछ हो जाता है, तो इसका मतलब सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, ये एंड वाला चीज हुआ, क्यों, क्योंकि देखो आपको हम बोलेंगे खाना बनाओ, ठीक है, खाना बनाओ, ठीक है, आप जाके मम्मी को बोलोगे कि खाना बनाइए मम्मी, ठीक है, तब तुम सामान लेके देगा तब ना मम्मी खाना बनाएगी, बात समझे ना, अब तुम किचन में चला गया, अब बोला हमको खीर खाना है, अभी क्या बात हुआ तुमको खीर खाना है, ठीक है, खीर बनाने के लिए जो सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सब सामान चाहिए, तब ना तुम मतलब खीर खाओगे, तो अभी क्या बात हुई, बोलता है एरिया निकालो ट्रायंगल का, अब तुम जूठे का मतलब ये कर दिए, तो बताओ तो टेंथ का इसी के तेजी कर दिया ना तुम लोग, ठीक है, टेंथ तो तब इतना आसान आता, तब तो सतवां वाला बच्चा भी बना लेता, तब क्या जरूरत है, टेंथ का कुछ तो अपना मर्यादा रहेगा ना, कुछ तो अपना ऑनर रहेगा ना, कुछ तो इज्जत रहेगा ना, इतना आसान होता तब तो बच्चा बच्चा टेंथ कर लेता, तो इतना आसान नहीं है, तो जरूर इसमें कुछ राज छुपा हुआ है, तब ना इतना आसान होता तो देखो बना लो 1/2 बेस है, तो बेस बी सी, बी सी का कहाँ कहाँ है बी सी, तो इतना आसान नहीं है, यानी कि वही एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया कि मम्मी को बोलेंगे खीर बनाओ, अब ऐसे कैसे खीर बनाओ, खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए, काजू किशमिश वगैरह ये सब चाहिए, चीनी चाहिए, ये सब चाहिए, ठीक है, वो सामान लेके देंगे तब ना, तो हमें हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो हमको क्या चाहिए, बी सी चाहिए और क्या चाहिए, ए पी चाहिए, तो ये सब निकालेंगे तब एरिया निकालेंगे, तो एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस सब का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, दिया तो है नहीं तो वही लिखेंगे, लेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लेट लेट ए पी, ए पी को क्या कर लेंगे, कुछ लेट कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, सेंटीमीटर वाला सवाल है ना, तो सेंटीमीटर मान लेंगे, तो ये एक्स सेंटीमीटर मान लेंगे, अब पता चला मैंने इसको बाहर में क्यों फेंक दिया, ठीक है, यहाँ पे आप नो भी लिखते, यहाँ पे आप एक्स भी लिखते तो पूरा गड़बड़ा जाता, ठीक है, पता मतलब ये जो पूरा जो नो लिखते तो खिचड़ी टाइप का बन जाता, इसलिए मैंने क्या किया, सेट कर दिया, अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है, ये इतना को मैंने क्या माना, एक्स माना, अच्छा, एंड आप देखो ये बी पी या पी सी, अगर आप इसको कुछ मानोगे वाई मान लो, मान लो कुछ भी, इसको वाई मानोगे तो इसको भी क्या मानोगे, वाई मानोगे, क्योंकि मैं पहले बोला है कि ये कोल्ड हुआ, ठीक है, कोल्ड हुआ, और यहाँ से बोला कि ऐसे करके गिरा है 90 डिग्री बना, तो यहाँ से भी गिरेगा तो 90 डिग्री बनेगा, और पहला रीजन, और दूसरा रीजन मैं यहाँ पे लेट लेट किया हूँ, तो मैं ऐसे करके इसको मिड पॉइंट बना हूँ, तो ये दोनों टुकड़ा हो गया, तो 90 डिग्री बना, कोई भी रीजन दो, अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, मानूंगा बी पी या पी बी, मेरा मर्जी, पी बी मानिए या बी पी मानिए, अपना आपका अपना मर्जी, तो पी बी बराबर क्या मानूंगा, वाई मानूंगा, वाई या वाई सेंटीमीटर मानो, टेंशन वाला कोई बात नहीं है, अच्छा, अब यहाँ पे केस वन दो या केस टू दो, वाई दो या वाई लिखना पड़ेगा ना, तो इधर वाई है तो इधर भी क्या होगा, वाई होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर है ना, तो मैं इधर नहीं देता हूँ, ठीक है, आप समझ गए ना, तो इसलिए मैं नहीं देता हूँ, अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे बाय पी टी, पी टी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम, थ्योरम, देखो ये भी मैं बताया हूँ, क्या मैं बताया हूँ, कि लास्ट में ऐसा है ना, तब एपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं देते हैं, जैसे मैं बताया हूँ, सब बताया हूँ, देखो देखो लड़का का, लड़का का, तो लड़का का क्या हो जाएगा, बॉयज, देखो ठीक है, ये इसे ये रहेगा, लड़कों का, लड़कों का, तो बॉयज ऐसे एपोस्ट्रोफी लगेगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ऐसे लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, प्लुरल में अंत में ऐसे हुए है, ठीक है, तो
ऑलरेडी है ना, मतलब लास्ट में अंत में तो है ही है, तो ऐसा तो है ही है, इसलिए केवल ये देखे छोड़ देंगे जैसे मैं बताया, इसलिए मैंने खाली ये दिया। अच्छा मैं पैथागोरस सरम किस में लगाएंगे भाई पैथागोरस सरम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे ए पी बी में लगाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी। अब ए पी बी लिखो या इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी लिखो या डायरेक्ट इन ट्रायंगल ए पी बी लिखो, आपका अपना मर्जी है। आप यहाँ पे केस वन भी दे सकते हो, आपका अपना मर्जी, मैं दे देता हूँ ठीक है, तुम नहीं दो तो आपका अपना मर्जी। केस वन, केस वन, केस वन, इससे नहीं कोई बहस है। अब देखो नहीं दो दे दो, नहीं दो दे दो, दे दो नहीं दो, आपका अपना मर्जी। अच्छा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल। अच्छा तो आप हमें एक बात बताइए, आप बोलेंगे आपको किस हक के अनुसार आप पाइथागोरस लगाए। सर पाइथागोरस लगता है 90 डिग्री में, तो मैंने कब बोला कि 180 डिग्री में लगता है, मैंने भी बोला 90 डिग्री में लगता है। अच्छा ये तो आप बताओ, ये आपका ये था, मैंने खींच लिया, जब कभी भी कन्फ्यूज हो ना तो खींच लो। तो अभी देखो यहाँ भी ये वाला मन होता तो इधर यहाँ से निकाल के ये दो, नहीं मन होता तो नहीं, तो आपका अपना मर्जी। बी हो गया, ये भी हो गया, ये क्या था एक सेंटीमीटर था ठीक है, और ये क्या था वाई सेंटीमीटर दे दो, टेंशन वाली कोई बात नहीं, तो वाई सेंटीमीटर दे दो। ये क्या था आपका 6 सेंटीमीटर था, इससे मैंने क्या किया खींच के निकाल लिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे लगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एच एच स्क्वायर इसका टू क्या होता है पी स्क्वायर, जो बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अच्छा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 6 है, तो बड़ी लिख लो सजावट कर लो, ए बी स्क्वायर कर दो ये, अब इसका क्या कर दो ए पी स्क्वायर ठीक है, जोर पी बी स्क्वायर या बी पी स्क्वायर एक ही बात है, तो उसको उल्टा उल्टा कर सकते हो, टेंशन नहीं है, इसको इधर कर सकते हो, इसको इधर कर सकते हो, इधर को उल्टा उल्टा कर सकते हो, इधर को जो बनता हो कर सकते हो ठीक है। अच्छा ए बी का स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर, सेंटीमीटर मैं अभी नहीं दूंगा एक सेकेंड, मतलब इसको उल्टा पुल्टा कर सकते, मतलब उल्टा पुल्टा करने का मतलब क्या है, ये साइड नहीं, इधर इसको इधर दे सकते हो, इसको इधर कर सकते हो, ये दोनों भी उल्टा पुल्टा कर सकते हो ठीक है। छोड़ इसका, इसका मैं सेंटीमीटर नहीं दूंगा, बाद में दूंगा ठीक है। ए पी ये हो गया, अब पी बी, पी बी कितना वाई हो गया ठीक है। अच्छा ये कितना हो गया 36, इसको ऐसा करके उतार देंगे ठीक है। यहाँ पे देखिए ये देखने में थोड़ा आपको अजीब तरह से लग रहा है, तो आपको आप टेंशन नहीं करो, इसको ऐसे करके उतार दो ठीक है, अपने लोग का आदत इस टाइप का रहता है तो ठीक है उतार दो। इक्वेशन वन मान लो इसको, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी यहाँ देखो इस जगह पे कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं यही वाला, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे लिएगा सर इसको आप इधर किए, इसको इधर किए तो साइन कहाँ बदले, देखो मैं कोई एगो को थोड़ी अदला बदल किया हूँ, मैं तो दोनों को किया हूँ ना, तो मैं सही नहीं बदलूंगा, कोई एक चीज को मैंने थोड़ी किया है, मतलब देखो ये 5 = 3 होगा, तो 3 को इधर करेंगे 5 को इधर कर देंगे, तो प्लस इधर गया तो माइनस, ई प्लस गया तो इधर गया तो माइनस, तो ये दोनों तो कट गया, तो फर्क तो नहीं पड़ा, तो मैंने दोनों को किया एक ही बात है। अब नहीं तो आप क्या करो, देखो लास्ट में तो आपने यही किया ना, यहीं पर आप उल्टा पुल्टा कर दो, आप ऐसे भी लगा सकते थे, देखो पी स्क्वायर जो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर ठीक है, तब तब ऐसे होता, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, तो वैसे होगा। देखो ये भी सही था, देखो बाबू ये जो है ना ये भी ठीक है था, इसको एक क्वेश्चन वन मान लो, तो कोई मैं तीर नहीं मारा ठीक है, कोई बहुत बड़ा ये ऐसे करके, देखो मैंने इतना ये इसलिए किया क्योंकि देखो आदत होता है, आर्य शर्मा आप उठा उठा के देखो, आल्टी शर्मा उठा के देखो, एनसीआर कुछ भी देखो ना, तो आपको इस टाइप का रहता है क्वेश्चन, इस टाइप का रहता है, इसको इस टाइप का रहता है, रहता है कि रहता है इस टाइप ऐसे करके ये रहता है, तो शुरू शुरू में एक्स वाई वाला रहता है और दाया हाथ में यानी कि आर एच एस में रहता है वाला, तो देखने के लिए नयन सुख के लिए ठीक है, आँख को अच्छा लगने के लिए थोड़ा अजीब लग रहा है ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया। फिर आप बोलिएगा सर साइन कहाँ बदले, तो ठीक है साइन बदलो कोई टेंशन नहीं है, तो प्लस इधर गया तो माइनस, और फिर प्लस गया तो इधर गया तो माइनस, तो दोनों को जब अदला बदल करते हैं तो साइन बदल को करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो ये तो कर दिया गया ना, तो इसलिए नॉर्मल चीज़ सब ऐसा, इसलिए जब दोनों को हम अदला बदल करते हैं ये सब उठ के इधर गया ये सब उठ के इधर गया, इसलिए साइन नहीं बदला, देखो बदल भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए अच्छा लगने के लिए केवल हम ऐसे किए हैं, या तो कोई दिक्कत। अच्छा ये तो गया, अब देखो अब यहाँ पे अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन है नीचे देखो, नीचे ये वाला और ये वाला और ये वाला ठीक है, इस टाइप का ठीक है, अब इधर का भी ले सकते हो, बात बराबर हुआ ना, देखो क्यों बात बराबर हुआ, यहाँ पर मैं अच्छा से बताता हूँ, देखो अब
ये वाला भी ले सकते हो। देखो मैं अभी ये लूंगा, इस टाइप का लूंगा, देखो ये 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 इस टाइप का, ठीक है। ये अब क्या हो गया, पी हो गया, ये ओ हो गया और ये बी हो गया, बात समझ रहा हूँ। आप ये भी ले सकते हो, देखो ये भी ले सकते हो, ठीक है। ये मतलब सी पी ओ, अब या तो ये लो या तो, बात बड़े पे हुआ ना। क्यों, देखो ये वाला लकीर, देखो ये वाला वाई है, तो ये वाला भी क्या होगा, वाई होगा, पास में ना। इस हिसाब से फिर आप लोग थोड़ा सोचते होंगे कि ऊपर वाला क्यों नहीं लिए इधर का, देखो तो एक्स एक्स थोड़ी निकालना है आपको, वाई भी नहीं निकालना है, तो रिलेट कैसे कीजिएगा, ये एक्स है ये वाई है, तो अलग अलग रहेगा तब ना एक्स और वाई दोनों को निकलेगा इस हिसाब से, ठीक है। चलिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये लो, तो मैं ये लेके बनाता हूँ, क्योंकि मतलब मैं इस साइड का बनाता हूँ, इधर का लेके बनाता हूँ, इधर का देखो ये एक सेकेंड, ये वाला इधर का लेके बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं इसी में बना देता हूँ, देखो इसे जाइए। अब हम एक बात बताओ, ये थोड़ा एक सेकेंड, ये थोड़ा इटेरा टाइप का लग रहा है, तो मैं देखो मैं इसको 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 सीधा करूँगा तो ऐसे कर सकता हूँ, देखो देखो ये थोड़ा टेढ़ा टाइप का नहीं है, तो मैं इसको सीधा कर दूँगा, तो देखो मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, केस टू, केस वन लिखा था, ई भी बोला था लिखो लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो, केस टू, बार बार नहीं लिखने की जरूरत है, केस टू सिमिलरली केस टू में सिमिलरली, तो यानी कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाय पाइथागोरस थ्योरम उतना नहीं लिखने की जरूरी है, ठीक है। आप लोग तो बाय पी टी तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, तो सिमिलरली इन आप लोग, आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे बड़े लोग, ये वाला एक सेकंड, ये वाला ये इन ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल ओ पी बी ले लो, पी मैंने क्यों लिया, क्योंकि 90 डिग्री पी पर मैं, इसलिए आप कुछ उल्टा अपना भी कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना लेकिन बीच में एंगल लेने के लिए, ठीक है, एंगल हमेशा बीच में रहता है ना, जिसका इंपोर्टेंस होता है वो बीच में होता है, तो राइट एंगल है, तो राइट एंगल में इंपोर्टेंस क्या है, 90 डिग्री, इसलिए मैंने बीच में लिया, बाकी आपका मर्जी। अच्छा ये हो गया, कोशिश कीजिएगा बीच में लेने का। अच्छा अब देखो ये थोड़ा टेढ़ा था, ये अभी था ना, ये टेढ़ा था, अब हम देखो अगर करो ये टेढ़ा जो था, तो मैं इसको सीधा कर लूँगा तो कोई दिक्कत, इस टाइप का मैं सीधा कर लूँगा, इस टाइप का मैं क्या कर लूँगा, सीधा कर लूँगा, देखने में अच्छा लगेगा। देखो अब तो या तो ऐसे फिगर बना, ऐसे बना, तो मैं ऐसा बना लूँगा, ठीक है। इसको देखो ठीक है, 90 डिग्री यहाँ बना है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना है, ये सोता हुआ है, यानी कि सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो लेटा हुआ है, तो पी यहाँ पे बना, तो देखो अपने लोग का पी यहाँ कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ठीक है। ये जो लोली है, तो लोली में क्या है, बी है, तो बी यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या होगा, ओ होगा, इस टाइप का बना के नहीं बना, बना ना। तो आप देखो या तो ऐसे बनाओ, तो ऐसे करके इमेज कर लो, ठेरा कर लो, ऐसे बनाओ, तो दोनों ठीक है, तो मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। अब रिलेट करो ना बात को, एक ही है ना, देखो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ये दोनों क्या हो गया, एक क्या हुआ, तो मैं इस टाइप का बनाता हूँ, ठीक है। चलिए नहीं तो ऐसे बनाओ, तो ऐसे करके ठेरा करके लो, एक ही बात, ऐसे नॉर्मल चलेगा, उतना दिमाग नहीं लगेगा। क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे, यानी कि जिसका निकालना है, तो क्या निकालना है अपने लोग को, इसका निकालना है, तो इसको उतारेंगे इस टाइप का, तो सीधा रहना चाहिए, 90 डिग्री है ना, तो इसलिए ठीक है, इसको फिर ऐसे दे दीजिए, ओके, यहाँ पे इसको ऐसे करके मिला दीजिए इस टाइप का, तो यहाँ पे हो गया आपका ओ, ये पी हो गया, ठीक है। ये ओ ने ये अपने लोग का पी हुआ, इसको सीधा किया ना, तो ये पी हुआ, तो इसको पी दे दीजिए, ठीक है ठीक है। लोली वाला तो बी नहीं है, जैसा कि पहले बताया मैंने। अच्छा ये यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे ओ, अब यहाँ पे गौर करो, देखो ये यहाँ से लेके ये जो पूरा है, रेडियस है कि नहीं है, है ना, रेडियस, रेडियस कितना है आपका, 9 है। तो हमें एक बताओ कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये यहाँ पे इस केस में तो हाइपोटेनस हुआ, लेकिन इस केस में जो रेडियस है वही ना, यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया, ही क्यों हो गया 9, है ना। देखो अब किताबें में पढ़ा है ना, देखो रेडियस क्या है, 9 है, तो बताओ ये भी क्या था, 9, और ये भी क्या होगा, 9, एक रेडियस एक सर्कल में इन्फिनिट रेडियस होते हैं, ये भी क्या होगा, 9, तो ये भी क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। ये भी क्या था, 9, तो आपको इतना चित्र देखो, इसलिए मैंने चित्र में नहीं किया, ये सब आपको यहाँ पे नहीं करना है, एक जगह दे दिए ना बस काफ़ी है, ठीक है। अच्छा खिचड़ी टाइप का हो जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए ओके। फिर यहाँ पे पी बी, ये क्या है, क्या है यहाँ पे पी बी, तो ये जो है आपका पी बी है, तो पी बी आपको क्या मानते हैं, आप ऊपर में वाई मानते हैं,
ओपी है, तो ओपी तो मैंने अभी बताया, नो का टैक्स है, ये मान पुट कर देंगे इसको, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये नो कहाँ से आया मालूम है, ये आपका जो ये अभी यहाँ पे रेडियस नहीं हुआ, यहाँ पे जो रेडियस था आप रेडियट करो, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। अच्छा अब यहाँ पे लगा दो वही पी टी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अब यहाँ पे देखो ये इस टाइप का यहाँ पे आप लिखे होना हो तो सुंदर लगेगा, पैटर्न को फॉलो करने में यही आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, देखिए देखने में अच्छा लगेगा। अब ना आप इसको इधर कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो मैं इस केस में ऐसा लिखा हूँ तो यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा ऐसा निकलेगा। अच्छा फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही ओ बी स्क्वायर, मैंने सिमिलरली लिखा है ना, इतना फर्सी आके लिखने का जो जरूरत नहीं है एकदम डीप में, एक बार सिमिलरली लिख दे बस हो गया, शॉर्ट कट में मारेंगे तो यहाँ पर नो स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसका ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे इसका हो जाएगा ये वाला हो गया ना एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना सुंदर से पहले मैंने लिख दिया जैसे पॉइंट, अब यहाँ पे सिमिलरली दे दिया ना तो इसलिए आप शॉर्ट कट मार सकते हो। अच्छा यहाँ पे ई ग्राफ थोड़ा गौर कीजिएगा, ये नो है, क्यों नो है, क्योंकि देखो यही वाला लकीर को उठा के ना बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है हल्का सा इस यहाँ पे इसी स्टेज पर, तो ये यहाँ पे ये नो है, ठीक है। और ये तो आपका रेडियस हुआ तो इसलिए ये नो हुआ, ये तो आप वाई माने थे और ये तो आपने निकाला है पूरा में से इसको घटा के, तो ये था ये आप रिलेट करोगे। देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे देखो ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो यहाँ भी ये वाला, यहाँ पे ये वाला, ठीक है यहाँ पे ऐसे होगा। अब ठीक है देखो ये नो घटे एक्स, तो यहाँ भी देखो एक सेकेंड थोड़ा और पीछे कर देते हैं, ये नो घटे एक्स, यहाँ भी क्या है नो का टैक्स, ठीक है ये देखो वही वाला, ये वही वाला, फिर ये देखो ये छ सॉरी 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 छ नहीं नौ नौ, तो ये भी क्या चीज़ नौ, ये सोया है, मैंने इसको उठा दिया ऐसे कर दिया। अच्छा अब इसको तोड़ो 81 तो क्या हो गया, ये वाई स्क्वायर। ये देखिए आपको कुछ याद आया, क्या याद आया, आइडेंटिटीज, नॉर्मल क्लास में पढ़ते होंगे अपने लोग, 7 6 सबसे पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा और नाइन्थ में भी है उसे, ये हो गया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए और ई बी, आपको टेलाने बनाना है, मैं यहाँ पे चित्र बना लिया ना तो इसलिए, ठीक है बात को खाली समझो। तो ये अभी वह स्क्वायर हो गया, ये नॉन में कासी हो गया ना, इन्हें क्यों तो 18 कर देना, नॉन में कासी इस टाइप का दो बार लिखेंगे ना, तो 81 इस टाइप का। अच्छा फिर एक्स स्क्वायर, इसको जो गुना करेंगे तो 9 18 एक्स नहीं हो जाएगा, 18 एक्स ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे, 81 बराबर इसको सजा लो, मैंने पैटर्न को फॉलो करो अच्छा से सजा लो, ठीक है और इसको इस हिसाब से कर दो। फिर मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक बात बताया था, क्या बताया था, थोड़ा अच्छा लगने के लिए आपको एक्स वाई वाला को एक जगह लेते हैं, इसको एक जगह लेते हैं, अभी मैंने बताया था तो वो यहाँ भी करेंगे, एक्स वाई वाला को क्या करेंगे एक जगह में उतार लूँगा, एक जगह क्या कर लूँगा उतार लूँगा इधर कर दूंगा, ठीक है। और देखो जब एक ही चीज, जब एक साइड को उल्टा पलटी करते हो ना, देखो जब एक साइड वाला को ऐसे करके करते हो ना इस टाइप का, तभी तभी साइन बदलता है, लेकिन यहाँ इस सब को मैंने इधर बुलाया तो 81 को भी मैं इधर बुलाऊंगा तो फर्क तो नहीं पड़ा जी, समझ ना बाबू, इसको आप इधर बुलाए तो इसको भी इधर बनाए। अब मैंने अभी क्या बोला कि जब दोनों को अदला बदल करता तब साइन नहीं बदलते हैं, अगर मान लीजिए आपने बदला भी तो ये वाला बराबर इधर गया तो माइनस होगा, ये वाला इधर गया तो माइनस वाला तो कर जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा फिर यहाँ पे यहाँ पे हो गया ओके। अब यहाँ पे इसके आगे इसके यहाँ पे क्या करो बराबर दो, अब यहाँ पे ऐसे करके उसको उतार दो, अब 81 काट भी सकती हो, अब लेकिन साइन अलग अलग रहता तब करता नहीं, बराबर में ऐसे नहीं होता है, बराबर में जैसा रहता फिर भी कर जाता है, ठीक है जैसे देखो ये करता है, देखो यहाँ पे एक्स जोर 5 है ठीक है और यहाँ पे 7 ठीक है, जोर जोर कुछ भी मान लीजिए एक्स है कुछ भी मान लो ठीक है, वाट एवर इसमें आप कुछ भी वाई 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 दे दो कुछ भी, देखो दोनों तरफ क्या है एक्स एक्स है तो ये कर जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस, लेकिन इस केस में से अब यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे अलग अलग से रहेगा तब कटेगा, तो इस हिसाब से नॉर्मल बात है बचपन से पढ़ते आ रहे। अच्छा ये हो गया, इसको से उतार देंगे नहीं
अब यहाँ पे दो चॉइस है, या तो इसको काट दो या तो ऐसे करके बना दो, प्लस इधर गया तुम्हारे। अब देखो, अब यहाँ पे साइन बदलना जरूरी है। क्यों साइन बदलना जरूरी है? देखो एक साइड का किया ना, जब जब एक साइड का ऐसे करते हैं, मतलब इधर से इधर बुलाते हैं इधर उधर, तब साइन बदलता है। दोनों साइड का रहता है तब साइन नहीं बदलता है। अच्छा, तो ये तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा शिफ्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, लिख दो शिफ्टिंग। अगर आप पीछे में कहीं पर लिखे होंगे तो हम नहीं लिखेंगे, एक बार लेकिन लिखना पड़ेगा शिफ्टिंग। अच्छा, ये तो भाई आपका अपना मर्जी, लिखो लिखो नहीं लिखो लिखो। अगर आप पीछे में अगर इस चीज़ को मेंशन कर दियो इस टाइप का शिफ्टिंग हुआ तब तो नहीं लिखो, आने की हो तो लिखो। अच्छा, यहाँ पे बराबर जीरो देंगे, ओके। अब यहाँ पे इसको उतार देंगे, तो कट गया कट गया, उड़ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया, तो उड़ गया, तो नहीं भी देंगे जीरो तो चलेगा। देखो तो प्लस जीरो देने का क्या फायदा, क्योंकि जीरो को कोई संख्या में जीरो होंगे तो वही ना संख्या आ जाएगा, इसलिए नहीं देंगे, उड़ गया वो। अच्छा, इक्वेशन क्या हो गया, दो। अब हम एक बात बताओ, ये आपका दो हुआ और ये यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखो ये यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, इसमें कोई आपको मेल मिलाप रह रहा है, कुछ लग रहा है आपको इसमें? नहीं, ये अलग अलग है। इसमें कोई एक से रहता, अगर देखो LHS अगर बराबर रहता, यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर रहता, तो ये दोनों उड़ के ये दोनों बराबर हो जाता, तब हल करके एक्स वाई का मान निकालते। कोई एक साइड का, या तो ये वाला, ये वाला, ये वाला इसके साथ मिलना चाहिए था, या तो ये वाला इसके साथ मिलना चाहिए था, या तो LHS LHS के साथ मिलना चाहिए था, या तो RHS RHS के साथ मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से हल करो, इसलिए मैंने पहले बोला बेस आपका मजबूत है तो आप खुद से एक्स वाई का मान निकालो। तो आप देखो इसमें से आप एक्स वाई का मान निकालोगे, वो मान इस दोनों में से भरोगे, तो पर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जब कोई मिलता नहीं ना हो तो इस टाइप का सवाल हो ना, तो आप क्या करो, जोड़ घटाओ का क्रिया करो। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसमें से इसको घटा दूंगा, तो वो मैं कैसे करूँगा, देखो तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर लिखूँगा नौ सब ट्रैक्टिंग नौ टी आई, ठीक है, नौ सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, नौ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू। अब इस जगह लिखो या इसको ऐसे लिखो, सब्ट्रैक्टिंग टू वन। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो बचपन से अपने लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, इस टाइप का दुनिया क्लास में इस टाइप का क्या कि अब सब्ट्रैक्ट रहता है लिखा हुआ बुक्स में, ऐसे करके लिखा रहता है, तो थ्री रहता है फ्रॉम सेवन आता है, थ्री रहता है फ्रॉम सेवन आता है, तो अपने लोग फ्रॉम है, तो फ्रॉम का मतलब है पहले क्या देंगे, सेवन देंगे और प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस देंगे ही बात से ना, तो घटा के क्या देते हैं, फोर देते हैं, इस टाइप का रहता है ना। और इसमें अगर ये कहेगा थ्री टू सेवन, तब बचा लोग क्या करता है, इसमें भी सात में से तीन घटा देता है, नहीं जरूरी नहीं है कि बड़े में से छोटा घटेगा, ऐसा कोई नहीं होता। टू है तो थ्री, ठीक है, फिर टू है तो माइनस हो जाएगा, इस सेवन है तो कितना होगा, तीन में से सात गया तो चार, चीन बाईस गया, तेईस है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, फ्रॉम रहेगा ना तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, अटू रहेगा तो सिंपल सिंपल होगा। तो आप दोनों केस में से कोई एक, दोनों नहीं लिखे आ जाना, एक लिखना है। अच्छा, देखो इक्वेशन टू क्या था आपका, क्या था, तो LHS को LHS में कटाएंगे, RHS में से RHS को कटाएंगे। अच्छा, तो ये यहाँ पे लिख दो, ये इस टाइप का क्या कर दो, लिख दो, लिख दिया मैंने। अच्छा, ब्रैकेट मिलो, देखो शुरू वाला कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट मिलेगा, लेकिन अब बाद वाला को ब्रैकेट मिलाना जरूरी है, इसको आप ब्रैकेट मिलाना जरूरी है। देखो इसको आप ऐसे लिखोगे तो जितना भी आप मेहनत की हो, आधा घंटा एक घंटा भी जितना भी मेहनत की हो, सब आपका पानी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट दो दो नहीं दो नहीं दो, लेकिन बाद वाला में यानी कि RHS की तरफ, इधर तरफ दाएं हाथ की तरफ आपको माइनस या गुना रहेगा, तब ब्रैकेट में पक्का से पक्का आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा में घटाओ का साइन बदलता है, इसलिए। अच्छा, आप दो में से, आप दो में से एक को घटाओ तो इस साइड भी क्या करोगे, इसमें एक में से दो घटाओ, नहीं ना, इधर आप दो में से एक घटाओ तो इधर भी दो में से घटाओ, ठीक है। तो इसमें दो क्या है, जीरो है। अच्छा, तो खुशखबरी है, हल्का हल्का आ गया, जीरो वन, वन कितना है इसमें, छत्तीस है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, छत्तीस दे देंगे। चलो अब इसको यहाँ पे हल करेंगे। अच्छा, तो हल करो, इसको उतार दो।
अच्छा लगने के लिए इधर डिब्बा दिए, लेकिन इधर आपको डिब्बा देना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं बार बार इसलिए बनाऊँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत विद्यार्थी गलती करते हैं, यहाँ पर डब्बा देवे नहीं करता, फिर जाल में फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं सर मिलवे नहीं किया। ऐसे ये हो गया 18x। फिर देखो कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, कोई भी कोष्ठक का मतलब गुना होता है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर। घटाएंगे तो किसी को भी जीरो में से घटाते हैं तो वही अंक आता है, तो वही का वही नंबर आ जाएगा, वही का वही संख्या आ जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पे देखो ये और ये कट गया क्योंकि इसके पीछे में इसके शुरू शुरू में माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो साइन अलग अलग संख्या एक रहता था करता है। ये भी क्या हो गया आपका उड़ गया। अच्छा तो क्या बचा आपका 18x, यहाँ पे क्या बचा 36। अभी माइनस माइनस उड़ा सकता है, आपका मर्जी लो उड़ा दो, ठीक है। उसे उड़ भी करता था, ऊपर नीचे हो जाता, इधर जो दाया हाथ वाला रहता है ऊपर आता है न्यूमरेटर में जाता है, और ये क्या जाता है न्यूमरेटर में, तो मतलब दाया वाला न्यूमरेटर में जाता है अंश में, और ये जाता है डिनोमिनेटर में हर में दो। तो अब बताओ एक्स का मान कितना आ गया 2। अब एक्स का मान क्या करेंगे, भर देंगे, लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग यानी कि पुटिंग एक्स इजकल टू 2। अब दिमाग लगाओ कि आपको फायदा किस में होगा। देखो पड़ोसी तो जाएगा नहीं आपके एग्जाम में हल करने के लिए, हल तो आप ही को करना पड़ेगा, तो आपको फायदा क्या होगा इसमें, आप एक्स का मान भरोगे वाई का मान निकालने में, मतलब एक्स का मान भर के वाई का मान निकालने में फायदा होगा या इसमें होगा। तो एक्चुअली हमें तो लगता है इसमें होगा क्योंकि छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा है, जैसे मान भर देंगे तो तुरंत निकलेगा, इसमें अगर भरेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्यों खतरों के खिलाड़ी बनना है, ठीक है। इसमें मान नहीं भर के इसमें भरेंगे ऐसे आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा तो मैं इसमें भरता हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अच्छा तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, यह ना आप इसे करके यहाँ भी लगा सकते हो इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब घेर दिए 2 है तो क्या इक्वेशन हुआ, ऐसे कि आप यहाँ भी लगा सकते हो, टेंशन नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे लिख दो क्या है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर कितना कितना था 36 है ना, था 36 है। मैंने बार बार बोलता हूँ इक्वेशन 1 या 2 में भी भरोगे तो मान भरेगा, ये हल्का है ना तो इसलिए उसमें लंबा प्रोसेस हो जाएगा लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एक्स का मान कितना होगा 2, ये तो ऊपर में 2 है, ये तो चिपका दो इसको चुपचाप उतार दो क्योंकि तो इसका तो निकालना ही है, तो इसका वैल्यू थोड़ी आएगा, इसका तो बाद में निकलेगा ना। अच्छा इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर बराबर 36। अब इसके आगे आ जाना सतमा आठवा छठा सबका इक्वेशन, नौवा में तो बहुत अठवा नौवा में तो बहुत है। देखो क्या होता है ना जो सतमा आठवा नौवा सब पढ़ लिया ना उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका मान निकालने को एक तरफ देखो इस हाथ में भी आपको 1-2 रुपया है, इस हाथ में भी 1-2 रुपया है, ठीक है। तो कोई एक हाथ में करोगे तो अच्छा लगेगा, मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो आपको किसका मान निकालना, इसका मान निकालना है तो एक साइड कर लो या तो इधर कर लो, इधर कर लो, मैं इधर कर लेता हूँ। फिर 36 प्लस इधर गया तो क्या हो गया 4 हो गया, ओके। फिर वाई स्क्वायर बराबर 36 में से 4 गया तो कितना हो गया ये 32 हो गया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे देखो इसके आगे, इसके आगे देखो। अच्छा अब यही देख लो 32, आप देखो अब यहाँ पे वाई का जो मान निकलेंगे आप, तो ये जो स्क्वायर है तो ये कहाँ आ जाता है रूट में आता है, तो क्या होता है 32 होता है कि नहीं होता है, ये जो स्क्वायर है तो ये तो यहाँ ना आ गया। अच्छा तो 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पढ़िए यहाँ पे 2 8 2 4 तो एक नहीं आया कितना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 को लिखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये लिखो। अच्छा फिर 2 है तो जोड़ा लगेगा, 2 को 2 है तो 1 को 2 2 को 2 है तो 1 को 2, इसका जोड़ा नहीं निकला, जिसका नहीं निकलता वो रूटे में आता है, तो कितना हो गया 2 2 ना 4 और 2, ठीक है। या तो कोई दिक्कत तो वाई का सेंटीमीटर वेंटीमीटर बाद में लगाएंगे, ठीक है। अब इतना सेंटीमीटर मार दो आपका मर्जी, या वाई का दबा निकल गया तो एक्स का भी निकल गया और वाई का भी निकल गया, ठीक है। तो अब देखो अभी तो हो गया तो शुभ काम में देरी कैसे, अब यहाँ पर लिख दो 9 या नेक्स्ट कुछ जो मन होता है लिख दो 9। अब अपने लोग का जो अपने लोग चाहते थे वो निकल गया। अब देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एरिया यानी कि जगह यानी कि क्षेत्र पर यानी कि इलाका यानी कि क्षेत्र, तो लिख दो 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल, मेंशन कर दो कौन ट्रायंगल का ए बी सी है ना, तो यहाँ पे लिख दो ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने फार्मूला मेंशन कर दो 1/2 अच्छा से बेस बेस इनटू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट हाइट, ठीक है बराबर 1/2 तो फॉर्मूले में है, बेस बेस को मेंशन कर दो, ये आप उतार भी सकते हो इस टाइप का, ये ए बी सी ऐसा सर ऐसा, तो ये दोनों बराबर है चित्र, मैंने क्या बोला चित्र में से खींच के निकाल दिए, ठीक है।
अच्छा ये तो इस टाइप का ये बोला है, ये पी मान लेते हैं कुछ भी आपका मर्जी मानो तो, अभी नहीं कुछ मान सकते हो। यहाँ पे सूर्य में आपको पी के जगह पर तुसा चाहिए देना चाहिए था, अब यहाँ पे पी दिए तो यहाँ भी पी दिए, यानी कि अब यहाँ पे अलग मानेंगे यहाँ पे अलग मानेंगे। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे ये तो छः था तो छः तो देवे करेंगे, यहाँ पे ये भी छः देवे करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये फिगर दो दो नहीं तो आपका अपना मर्जी है, ठीक है, आप मतलब मत दो, अब इसी में से रिलेट करके लिख दो। मैं उसे आपको समझाने के लिए मैं दिया हूँ, बी एस सी क्या है, बी सी है ना, तो बी सी लिख दो, ठीक है। हाइट क्या है, ए पी है तो ए पी लिख दो, ओके बराबर 1/2। अब देखो ये बी सी है, आप हमें एक बात बताओ, क्या बताओ, वाई का वैल्यू आपको क्या आया है, वाई का वैल्यू 4√2 आया है, तो 4√2। अब यहाँ पे एक आप थोड़ा सा हल्का सा आप यहाँ पे क्या लगाए होंगे, दिमाग लगाओ लगाए होंगे कि सर आप तो ये ना वाई था, ये ना यहाँ पे ये कहाँ गया वाई, वाई ये आपको ये वाई माने थे, तो ये बोला वाई था, ठीक है, तो ये वाई था तो ये भी वाई होगा, तो सबको जोड़ के 2y ना होगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली तो कोई टेंशन नहीं है, दो से आप गुना कर दो, नहीं तो अभी काम करो यहाँ पे जो है ना इस जगह पे आप, आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे मेंशन करके लिख दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2×BP लिख सकते हैं, तो BC = 2×BP लिख सकते हैं, या BC = 2×PC लिख सकते हैं, एक ही बात ना हुआ। BP क्यों निकाले, क्योंकि देखो 2×Y क्यों, क्योंकि 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 BP बराबर क्या चीज़ का था, PC का था, तो यानी कि अब या यहाँ पे 200 गुना करो, या तो आप ऐसे करके करो तो आपका पर 200 यहाँ पे गुना करो तो AP, तो AP आपका क्या था, AP X था, तो X हो गया। अच्छा फिर 1/2 इसको गुना कर दो आप कॉपी में, 2×4√2 तो 8√2 आ गया, ठीक है, 8√2, ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स एक्स का मान देखो, आप एक लाइन बढ़ा भी सकते हो, देखो 1/2 BC में क्या था आपका, BC क्या था आपका, 2y हो गया, कैसे आया 2y, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना, तो 2y हो गया गुने AP, AP कितना हो गया आपका, एक्स आ गया, ओके कोई टेंशन नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे देखो 2 हो गया, तो देखो कुछ नहीं तो गुना है, वाई का मान ऐसे करके मान के एक्स का जगह वो मान भर दो, कितना आया था अपने लोग का, 2 आया था, तो यहाँ दे दो। अच्छा नीचे हम क्या है, 1 है, नीचे हम क्या 1 है, तो ये दूसरे जो क्या हो गया, कट गया, अब यहाँ पे 8√2। अब यहाँ पे वो गौर करो, यहाँ पे चीज इसको थोड़ा बोल्ड कर दो, बोल्ड मोटा ऐसे, अब यहाँ पे गौर करो, मैं शुरू शुरू में क्या माना था, देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, अब मैंने सब जगह सेंटीमीटर नहीं दिया, थोड़ा घोच मोच हो जाता है इसलिए, आप देखो एरिया है तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है, याद रखना, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, तो देखो सेंटीमीटर नहीं देना गलत हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया कभी भी स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में होता है, आयतन वॉल्यूम क्यूब में होता है, और वैसे भी आप देखो वैसे भी अगर हो ही जाएगा तो सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा ना, जब सब जगह दोगे ना, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर ऑटोमेटिक सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट लिख दो, हिंदी मीडियम से तो अतः लिख दीजिए, इंग्लिश मीडियम में से तो हेंस लिख दीजिए, हेंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर, आंसर खत्म हो गया। इस जगह पे आप समझे ना कैसे, कि ये BC था तो BC क्या हो गया, तो BC तो पूरा हो गया, पूरा कैसे हो गया, ये वाला क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वाई था ये भी वाई था, इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि मिड पॉइंट पहले बोले थे, तो मैंने दोनों को क्या किया, काट दिया, सब बात पहले हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखे भी हैं सब कुछ शुरू में, मैंने बोला ना सब लिखने के लिए, तो वही तो रिलेट करो सिंपल, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर नोटिस देना चाहूँगा, ठीक है, एक चीज़ आपको हम नोटिस देना चाहूँगा यहाँ पे, वो नोटिस ये है, आपको इतना टाइम लेके नहीं बनाना है, ये क्वेश्चन में आपको 5 मिनट बहुत हो गया, ठीक है, 5 मिनट आप सोचो, ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम होगा, आप एक ही क्वेश्चन में 1 घंटा लगा दोगे तब तो हो गया, तब तो दो तीन क्वेश्चन में आपका बीत जाएगा समय, आपको इतना समय लेके नहीं बनाना है, ठीक है, तो मैं अच्छा से बताया हूँ, तरह तरह का बातें किया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है, हमको क्या है, वीडियो डाल देंगे बस,
देखते रहिएगा आप लोग हमको कौन सा एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है? ठीक है, तो ये है, तो आपको इतना समय लेके नहीं बनाना है, आपको आधा घंटा नहीं बनाना, नहीं लगाना है, आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट नहीं लगाना है, 5 मिनट बहुत हद से ज़्यादा हो गया, 5 मिनट्स में आपको क्वेश्चन को डील करना है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, फिर भी कहीं पर कोई कसर रह गया हो, कुछ त्रुटि रह गया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो करिए चैनल को, सब कुछ आपके हाथ में है, कमेंट कीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है सागर साहब बायोलॉजिस्ट के नाम से, ठीक है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल, मेरा जितने भी सोशल मीडिया है सबका डिटेल आपको मिल जाएगा, सबको आप चेक कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। और क्या आपको पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, किस किस टॉपिक पर आप लेक्चर लेना चाहते हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, वो सब आप हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा उस पर वीडियो क्लासेस देने का। तो मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, धन्यवाद।